अच्छा मैं ही शुरू लेडीज फर्स्ट. वेल इनहेरिटेंस का ख्याल तब आया जब हम काफ़ी दफ़ा जब साथ में हम कॉन्सर्ट्स करते थे और आई यूज़ टू सिंग बाबुल मोरा ऑफन एंड आई यूज़ टू सिंग मैंने लाखों के बोल सहे. एंड दीपक जी ने हमेशा मुझे बहुत एनकरेज किया है टुवर्ड्स इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और मेरे दिल के करीब तो हमेशा से था ही. एंड इतनी बार गाने के बाद में ही वन सेट कि चलो ये रिकॉर्ड करते हैं एंड देन सूफी स्कोर का सहारा मिलने से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया. और इसमें बाबुल मोरा मैंने लाखों के बोल सहे के अलावा दो ठुमरीज और हम लोगों ने इंसर्ट किया है. सैया बिना घर सुना जो कि राजीव भाई साहब ने हमें इंट्रोड्यूस किया, आपको तो नहीं पर मुझे इंट्रोड्यूस किया उस ठुमरी से. एंड देर इज़ वन मोर ठुमरी दैट इज़ हमरी अटरिया पे विच इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंगस्ट पीपल. लेकिन हम लोगों ने ट्रेडिशनल ठुमरीज को कोशिश की है रिक्रिएट करने की एंड वी हैव ट्राइड कि हम इसका नाम इनहेरिटेंस इसीलिए रखा है ताकि you know, हमारी जो हमारे साथ और हमारे बाद जो आने वाली जनरेशन है वेर यू नो पीपल जस्ट वॉन्ट टू हैव जस्ट दैट वन सॉन्ग विच इज़ ट्रेंडिंग एंड दे वॉन्ट टू गेट फेमस ओवर नाइट. बट हमने थोड़ा सा कठिन रास्ता इख्तियार किया है एंड कोशिश रहेगी कि हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है विच इज़ आर बेस दैट रीचेज टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड वी हैव टू वैल्यू वी शुड वैल्यू द रूट्स एंड दैट इज़ वी ट्राइड इन इनहेरिटेंस. रेस्ट दीपक जी विल टेल. कम्प्लीटली एग्री विथ यू. जी जी जो अभी इन्होंने कहा बिल्कुल कि जो नेक्स्ट जनरेशन है तो ये हम सबकी ही ड्यूटी बनती है, कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज बनता है कि उन्हें हम रूबरू कराएं अपने कल्चर से, अपने आर्ट से, अपने क्लासिकल म्यूज़िक से. तो ये सोच के साथ ये एल्बम की शुरुआत हुई. और दूसरी चीज़, क्लासिकल म्यूज़िक हम दोनों का पसंदीदा सब्जेक्ट है तो उससे भी हम बिल्कुल मतलब पीछे नहीं हट सकते. प्लस जो कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, तो उन लोगों के लिए ख़ास करके, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक का हर म्यूज़िक अपना एक चलन होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है. आलाप, देन विस्तार, फिर बंदिश. तो उसमें इतना अभी लोगों के पास मेरे को लगता है शायद टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है. तो इसमें जो इस एल्बम की जो ब्यूटी है कि बाबुल मोरा नैहर छोटो जाए, अब ये कम से कम 100-150 साल पुरानी रचना है. मतलब वाजिद अली शाह कहिए आप, या सैगल साहब, या भीमसेन जोशी जी, तो हमने सबको सुना और महीनों भर सुना. फिर उसके बाद मैं, बहुत से लोगों को पता है कि आई यूज़ टू प्ले वायलिन विथ जगजीत जी, आई यूज़ टू कॉल हिम अंकल. तो उनके साथ मेरी जर्नी रही, मैं व्हेन आई वाज 15 और 16, तो मैंने उनको उनके साथ स्टेज पे बजाना शुरू किया था वायलिन. वो हर प्रोग्राम का एंड जो करते थे भैरवी से करते थे. मैं इसलिए थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ कि ये बताना ज़रूरी है. तो वो बाबुल मोरा से प्रोग्राम का समापन करते थे, एंड करते थे. हर कलाकार ने अपने तरीके से बाबुल मोरा गाया. तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कि उसका राग ना ख़राब हो, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक की जो डिसिप्लिन है वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, कि राग के अंदर रहना और राग के अलग नहीं जाना. तो जगजीत जी के साथ मैंने करीबन 18-19 साल की, 20 साल की जो भी मेरी जर्नी रही,
उसमें मैंने बाबुल मोरा बहुत करीब से सुना उनसे, तो कुछ उनसे चीज़ें ली, कुछ भीमसेन जोशी जी से ली, कुछ सैगल साहब से ली, वाजिद अली शाह साहब का तो है ही, मतलब ये जो कहना चाहिए बाबुल मोरा जो शुरुआत ही हुई है उनसे ही हुई है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए कि कल के दिन कहीं ऐसा ना हो, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर आप थोड़ी भी 19-20 करो तो आपका लोग गला पकड़ लेंगे, तो उसको मेंटेन रखते हुए, राग को मेंटेन रखते हुए, उसकी बढ़त का, उसके शब्द का, उसका, अब बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, बेसिकली ये एक विदाई सॉन्ग है, तो इसमें बड़े इमोशन और वो सब वो ख़राब नहीं होने चाहिए। तो हमने तानपुरा तबला रखा है, लेकिन साथ में इसकी जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो पूरा बुदापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ की है, सो वो एक नयापन है उसका, और उसकी जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही करेक्ट हुई है। अगर थोड़ा भी 19-20 हो अगर तो वो ख़राब हो जाएगा, फ्यूजन से कन्फ्यूजन होने में एक सेकंड भी नहीं लगता। सही बात। तो सिम्फोनिक पार्ट, ऑर्केस्ट्रल पार्ट अगर आप सुनेंगे बाबुल मोरा या और जो तीन अलग और ठुमरियाँ हैं इस एल्बम में, तो कहीं भी राग ख़राब नहीं हुआ है, राग का चलन टूटा नहीं है, साथ के साथ वो उसको इन्हेंस कर रहा है। और इनकी जो गायकी है, प्रतिभा जी की जो गायकी है उसमें, उसमें पूरी शुद्धता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये राग से अलग चले गए हैं, या हमने जो अपने भी कुछ जो इम्प्रोवाइज वगैरह किए हैं वो भी राग को रखते हुए किए हैं। तो ये एल्बम की ब्यूटी ही ये है। तो हमको लगता है कि शायद ये ऑर्केस्ट्रेशन इसकी ऐसी की है, और पेशकश इसकी पुरानी चीज़ को ही हमने इन शॉर्ट लिबास नया पहनाया है, जो कि आगे वाली जनरेशन उसको सुने और उसको अडॉप्ट करे। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह। मुझे इफ़ वी टॉक अबाउट बाबुल मोरा, आई वुड डेफिनेटली से कि मैं बचपन से जगजीत सिंह साहब का वर्जन सुनती आ रही हूँ, और मैं उसी से इंस्पायर्ड हूँ फॉर दिस बाबुल मोरा। पर बेशक हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, एवरीबडी हु एवर हैज़ रेंडर्ड दिस, उन्होंने अपने हिसाब में बेस्ट उसको रेंडर किया है, और पर मैं इंस्पायर्ड हूँ जगजीत सिंह साहब की रेंडिशन से। तो मेरी कोशिश ये थी कि सबका एक सबका सुना हुआ एक साथ कंपाइल करके रखूं, बट बेस मेरे बाबुल मोरा में जगजीत सिंह साहब का ज़्यादा था। हम दोनों का यही सोच था। एट द सेम टाइम मेरी पूछना चाहूँगी, बहुत बड़ी क्षति हुई है भारतीय संगीत के लिए, क्लासिकल कह लीजिए, फिल्म को स्पेशली कह लीजिए, या सुगम संगीत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ऐसे में बाबुल मोरा गाना इस तरीके से लेके आना, क्या एक संयोग मात्र था, या फिर ये ऐसा लगा कि भाई मेरी तरफ से इतना प्यार तो दिया जा सकता? नहीं, मेरी तरफ से क्या, ये मतलब आपने जैसे अभी बोला ये इतनी बड़ी क्षति है, इट एब्सोल्युटली फील्स लाइक अ वेरी पर्सनल लॉस। हम मेरे जैसे जिलियन लोग होंगे जो लोग दी लता मंगेशकर जी से इंस्पायर्ड थे, हैं, और आगे आने वाली कई सदियों तक इंस्पायर होते रहेंगे। एंड लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर से कह रही हूँ कि जो लता मंगेशकर जी जैसे लोग होते हैं ये कभी मरते नहीं हैं, ये अमर हो जाते हैं। तो वो अपने संगीत के ज़रिए पहले भी हमें ज़िंदा थी, आज भी ज़िंदा हैं और कल भी ज़िंदा रहेंगी, और हमारी इसीलिए ये कोशिश है, इनहेरिटेंस का मतलब ही ये है हमारे लिए कि अगर हमने उस वक्त जब लता जी ने अपनी ज़िंदगी के 80 साल म्यूज़िक को दिए हैं, शी वॉज़ 92 ईयर्स ओल्ड, एंड उन्होंने 80 ईयर्स अपने समर्पित किए म्यूज़िक को, अगर हम उनके उस म्यूज़िक को नहीं सुनते तो आज हमें उसकी वैल्यू कैसे होती? दिस इज़ जस्ट वी हैव ट्राइड इन अ डिफरेंट वे कि हमारा जो धरोहर है, जो हमारा बेसिक म्यूज़िक है, जो हमारी रूट है म्यूज़िक में, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, उसको आज नहीं तो कल हमें बाहर से पता चले। आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि दीपक जी जैसे कि विदेशों में बहुत परफॉर्म करते हैं और इंडियन क्लासिकल परफॉर्म करते हैं,
हम सब जानते हैं कि हम भी बॉलीवुड में गाते हैं और बहुत सारे लोग भी हैं जो लोग इंडिया और इंडिया के बाहर भी बहुत परफॉर्म करते हैं, बट फ्यू पीपल हु हैव इन्हांस्ड इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इन वर्ल्ड लेवल, उनमें से एक दीपक जी भी हैं और रविशंकर शुक्ल जी जो कि सितार माइस्ट्रो थे, एंड रविशंकर जी जो हमारे सितार माइस्ट्रो थे, देन जाकिर हुसैन साहब, इन लोगों ने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को, हरिप्रसाद चौरसिया जी, इन लोगों ने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को वर्ल्ड लेवल पे इतना सराहना पहुंचाई है, और उसी तो हमें बाहर इतना प्यार मिलता है इंडियन क्लासिकल के लिए, अपने देश में प्यार की थोड़ी सी अभी फ़िलहाल कमी है, तो हमारी कोशिश ये है कि यू नो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को एक नए लिबास में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट यू नो एवरीबडी फ्रॉम दिस जनरेशन एंड फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन दे ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड दे ट्राई टू रिटेन द रूट्स। एक बात बताइए, यू डोंट लुक लाइक अ टिपिकल क्लासिकल सिंगर, व्हाई एम आस्किंग, कि जल्दी हम साड़ी में या फिर ऐसे। मैं आपको अभी एग्जैक्टली ये बताने वाली थी कि आई वुड हैव वॉर्न अ साड़ी टुडे, बट आई एम नॉट वेयरिंग अ साड़ी, दैट इज जस्ट टू टेल यू दैट मेरे अंदर की जो भारतीय नारी है वो सिर्फ साड़ी में, मेरा जो दिमाग है, जो मेरा मन है वो पूरा भारतीय है, सिर्फ उसको लिबास चेंज किया है, यही इस बात की एग्जाम्पल है कि हमने जो ठुमरीज हैं वो बिल्कुल प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हैं, उसको हमने बुडापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के ज़रिए और दीपक जी की बहुत ही मॉडर्न अप्रोच उसमें रही है इन प्रोड्यूसिंग द ट्रैक, तो उसके ज़रिए हमने, तो यही वो कनेक्शन है कि मैं साड़ी भी पहन सकती थी आज, लेकिन आई चोज नॉट टू वेयर अ साड़ी एंड स्टिल आई वुड वॉन्ट टू सिंग अ ठुमरी एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सो दैट आई कैन कनेक्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन। आपसे जानना चाहूँगी, वायलिन माइस्ट्रो कहा जा सकता है? नहीं नहीं, माइस्ट्रो इज यू नो बहुत दीपक, दीपक इज फाइन। दीपक जी मुझे बताइए, बहुत डिफिकल्ट होता है वाद्य बजाना और स्पेशली उसको भारतीय तरीके से बजाना, बहुत सारे लोगों ने साउथ में भी कोशिश की है, आज कहाँ उसका भविष्य देखते हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका नाम जान सकता हूँ? जी मेरा नाम रूना है। आपने म्यूजिक सीखा है 100%? नहीं, मैंने क्लासिकल डांस सीखा है, तभी थोड़ा बहुत उस वजह से। तभी ये क्या है कि लोग थोड़ा ईजी गोइंग होता है ना, उसमें आ गए कि शॉर्टकट में, कि प्रोग्रामिंग सीख लो, कीबोर्ड सीख लो, म्यूज़िक प्रोड्यूसर बन जाओ, वो क्या होता है कि इनकम जल्दी शुरू हो जाती है, इसमें सालों साल रियाज करना पड़ता है इसलिए कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, साउथ में है। मैं ये कह सकता हूँ, इस समय महाराष्ट्र में, ख़ास करके बॉम्बे और महाराष्ट्र में, मुझे ऐसे नहीं दिख रहे सोलोइस्ट जो क्लासिकल बजा रहे हैं, हमारी जनरेशन के, हमारी बात वाली। एक लड़का अच्छा बजा रहा है, मानस मुखर्जी, वो बहुत अच्छा है, मुखर्जी है, मानस नाम है उनका, तो वो है। लेकिन क्या ये कि आपका इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर, वो डिपेंड करता है कि इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी इनकम क्या होने वाली है। आपका काम अगर अच्छा है तो आप कुछ भी करेंगे ना, तो अपने आप सारी चीज़ें, सारी कायनात आपके पीछे आ जाएगी। बट मैं एक चीज़ प्रतिभा जी का बात बढ़ाना चाहूँगा कि ये एल्बम और ये म्यूज़िक, ये हमने सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि कुछ आना चाहिए मार्केट में, इसलिए नहीं, हमें 2 साल लगे, लोग हर हफ्ते सिंगल रिलीज़ करते हैं, तो उस भीड़ में हम कहीं नहीं हैं। मैं एक ही बात जल्दी से आपकी बात में बीच में एक बात बोलना चाहती हूँ, ये कि बहुत सारे लोग हमें पूछते थे कि यू नो आप लोग इतना साथ में काम करते हैं, कब आने वाला है ये? और रिसेंटली हमने काफ़ी कुछ काम किया, जैसे हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनके साथ में हमने रिसेंटली कोई वीडियो शूट किया, उन्होंने पूछा वो कब आने वाला है, हमने कहा ये पता है ये कब शूट हुआ था जो आज रिलीज़ हो रहा है, ये 2 साल पहले शूट हुआ था। तो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और यस दीपक जी नाउ प्लीज कंटिन्यू, कि लोग बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि यू नो आज शूट हुआ है तो अगले ही महीने रिलीज हो जाए, और ऐसे ही बहरहाल ऐसे ही हो रहा है, लेकिन वही वाली बात जो दीपक जी कह रहे हैं, मैं ये बोलने के लिए
अभी मुझे बहुत लंबा रास्ता नहीं 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 बिल्कुल ऐसा मत बोलो, लेकिन पेशेंस की बहुत ज़रूरत है और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जैसे कि दीपक जी कह रहे हैं कि इसमें बंदिशें भी होती हैं, इसीलिए बंदिश कहा जाता है, जहाँ राग और ताल में बंद कर गाना पड़ता है और आप राग के बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए उसे बंदिश कहते हैं। वो दायरे में रहना पड़ता है। और हमारा बाकी जिस तरह का म्यूज़िक हम लोग जल्दी से एक चुटकी में जो रिलीज़ हो जाते हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप कैसे भी गाना बना लें, गाना तो गाना है, तो वो रिलीज़ हो जाता है। और इस तरह का म्यूज़िक करने में वक्त तो लगता है बिल्कुल। और मैं इसी एल्बम से रिलेटेड कुछ एक दो चीज़ें और बोलना चाहूँगा, आगे शायद भूल जाऊँ मैं, कि ख़ास करके जब आप इस तरह का काम करते हैं जब, तो उसके लिए आपको वो ही वॉइस चाहिए होती है। तो ये मतलब बाजू में बैठी इसलिए नहीं, ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल सिंगर हैं, बहुत ही बॉलीवुड फिल्म गाना बोलो या बॉलीवुड के शोज़ भी करती हैं, क्लासिकल के भी करती हैं, ठुमरी भी गाती है, गज़ल भी गाती है। तो ये चीज़ें ना कहीं आपको अपनी ज़मीन से बहुत जोड़े रखती है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और काफ़ी कुछ हुआ है लाइफ में, बट एक हर प्रोजेक्ट के लिए, हर कॉम्पोजिशन के लिए, आई वुड से एक वॉइस चाहिए होती है। अगर वो ना मिले तो वो स्पॉइल हो जाएगा। तो ये मेरी बहुत बड़ी जीत ये है कि मुझे ऐसी वॉइस मिली है कि मैं जो मेरे दिमाग में जो चलता रहता है वो ये बहुत खूबसूरती से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें एंड ऑफ द डे क्या होता है कि अगर आपकी सिंगिंग 440 या परफेक्ट नहीं है, वो मतलब आत्मा बोलो या वर्ड से या एक्सप्रेशन या उसकी बांट या उसका चलन, तो आप कितना ही ऑर्केस्ट्रेशन करो, लंदन फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ करो, न्यूयॉर्क फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ करो, किसी के साथ भी करो, वो डब्बा हो जाएगा सारा। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी जीत हुई कि इतना ठहराव वाला काम मुझे नहीं लगता कि अभी कोई गाता है ऐसा, ट्रस्ट मी। तो ये बड़ी मैं अंदर से मतलब जो मेरे अंदर चलता है वही मैं बोलता हूँ मैं। थैंक यू। एक सुरेश जी का फोन आ रहा है एक से। हाँ, सुरेश जी चरण स्पर्श आपको मेरा पाई लगी। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और आपका इंतज़ार हो रहा है। 7:30, 8:30 बजे। थैंक यू। नहीं, 7:30 से आना शुरू हो जाएंगे। आपको जो भी टाइम ठीक लगे, 7:30, 8, 9 जो भी टाइम आपको ठीक लगे। ये तो अपना आई थिंक 9 के पहले नहीं होगा। तो अगर 8:30 तक आ जाए तो बहुत अच्छा है। हरी प्रसाद जी भी उसी टाइम पे आ रहे हैं जी। हाँ, तो आप बिल्कुल हम आपको जल्दी फारिग कर देंगे जी। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुरेश भाई, थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू। प्रणाम जी। सॉरी बीच में। अब ये भी ऐसे कलाकार हैं कि जिनको बचपन से सुन के हम लोग ने, और सीखना खाली गुरु से ही सीखना नहीं होता। आप अगर अपने कान खुले रखो ना, आंखें और कान, तो आप हर दिन हर किसी से सीख सकते हैं। मेरे गुरुजी तो कहते थे कि सुनना आधा रियाज सुनना ही होता है। बिल्कुल लर्निंग और आधा रियाज सुनकर ही हो जाता है। तो बिल्कुल आई थिंक इस एल्बम से जुड़ी 2-3 चीज़ें मैं और बोलना चाहूँगा कि चैलेंजिंग बहुत था ये काम। ये एल्बम अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज था। क्यों चैलेंज था? क्योंकि बाबुल मोरा ऐसे कलाकारों ने गाया है, तो एक सेकंड लगेगा लोगों को क्रिटिसाइज़ करने में या उसको वॉश आउट करने में, बट वो ईश्वर की कृपा से वो मौका नहीं देंगे। अब जैसे दूसरा है ट्रैक हमरी अटरिया, बेगम अख्तर जी ने गाया। तो ये लोग ऐसे नाम हैं जिन्होंने इतना कुछ छोड़ा हुआ है, कोई हाथ नहीं डालता, क्योंकि
मैं अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई मेरी बात का गलत मतलब ना ले, कि इस काम को समझने के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हमारी एक जो कहना चाहिए कि 2-2.5 साल की जो तपस्या थी, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। फिर जो दूसरा ट्रैक है, तीसरा ट्रैक है सैयां बिना घर सूना मिश्र पहाड़ी में, तो ये हम मेरी खुशकिस्मती रही है कि हमारे घर नज़ाकत अली सलामत अली खान साहब बहुत आए हैं, बहुत रहे हैं। मैं उनके गोद में कह सकता हूँ कि बड़ा भी हुआ हूँ। तो वो बचपन से वो सुनते और कमाल की बात क्या है कि इनका भी वही शौक़ है, वही सुनना है। तो उनको सुन के अब उनके जो आप लाइव कॉन्सर्ट्स देखें तो वो सैयां बिना घर सोना वो 2-2, 2.5-2.5 घंटे के हैं। अब उसको आपको 5 मिनट में लाना है, 6 मिनट में लाना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो किया। फिर उसके बाद जो लास्ट ठुमरी इस एल्बम की, लाखों के बोल सहे राग भिन्न षडज, उसको हेमंत भी कहते हैं और उसको कौशिक धोनी भी कहते हैं अगर पंचम लग जाए उसमें, तो मिश्र भिन्न षडज कह सकते हैं। अब वो हमने सुना है उस्ताद गुलाम अली साहब के सुरीली आवाज़ से, हाँ, और बहुत स्टडी किया है, उनसे इंस्पायर होकर के उनको सुन के, और जो ठुमरी हम करते थे तो ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया, ऐसा नहीं, किस किस ने गाया, किस तरीके से गाया है, वो सारी चीज़ों को कैप्चर करना और उसको 5-6 मिनट में ढालना, वो एक बड़ा चैलेंजिंग काम था। फिर सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा था तो ट्रैक नहीं था, ओपन था सारा कुछ, मतलब एक क्लिक ट्रैक थे, टक टक टक, और तानपुरा था, उसमें इनको गाना था। चैलेंज तो था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा इजी था कि मुझे जो भी गाना था मैंने गा दिया। बाद में ट्रैक जो हिसाब से जो भी गाना था वो तो नहीं किया, बहुत बहुत सोच समझ के ये चीज़ वो काटना छाटना पड़ा, वो इनकी हेडेक, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होता है ना, जो वन गो जो होता है ना उसमें एक असर अलग पैदा होता है। क्या है कि जैसे दीपक जी ने तो वन गो गाया हुआ सारा, फिर अब वो सपोज मेरे पास इनका आ गया मटेरियल एक गाने का, समझो कुछ 30-40 मिनट का, फिर मैं उसको बैठ के एडिट कर देता था, एडिट करके फिर अपना मेरा प्रोग्रामिंग शुरू करना। जैसे कि दीपक जी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है ठुमरी को या किसी भी क्लासिकल म्यूज़िक को छोटा करके गाना, मतलब आप अगर क्लासिकल गा रहे हैं तो 15 मिनट का पहले आलाप होता है शुरुआत में, फिर उसकी बढ़त होती है, फिर ख्याल आता है, छोटा ख्याल आता है, फिर मध्य लय आती है, फिर द्रुत लय आती है, फिर तराना होता है। तो इस तरह से क्लासिकल म्यूजिक को अगर गाना है और सुनना है तो कम से कम 2 घंटे आराम से चाहिए, लेकिन उसको अगर 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट के ट्रैक में ढालना है तो मैंने तो सोचा ये तो ट्रैक बनने के बाद में मैं कर नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा दीपक जी का एक तरीका होता है, जो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं हर गाने के लिए ये तरीका इख्तियार करूंगी कि सीधा तानपुरा और एक क्लिक ट्रैक लगाकर और मैं गाकर, अभी यही मैं करती हूँ। अगर कभी मुझे कोई बोलता है कि आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, जस्ट इन केस अगर मैं स्टूडियो नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं सिर्फ अपने हेडफोन पे क्लिक ट्रैक और तानपुरा लगा के और मैं रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, विच इज़ दी बेस्ट फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि वो सबसे शुद्ध तरीका है अपने हिसाब से गाकर भेजने का। और फिर सामने वाले का हेडेक है, उनको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है और कैसे यू नो प्लेस करना है एट प्लेसेस। जी बिल्कुल, गुनगुना देंगे आज बाबुल मुरारी नहीं, मुझे लगता है पहले मैं हमरी अटरिया गा देती हूँ, क्योंकि सब लोग बाकायदा वाकिफ़ हैं उस ठुमरी से, तो पहले मैं आप लोगों को 2 लाइन हमरी अटरिया सुना देती हूँ। ज़रूर। हमरी अटरिया पे आओ
सवरिया देखा देखी बलम होई जाए हमरी अटरिया पे आओ रे सवरिया देखा देखी बलम होई जाए आओ सजन तुम हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म होई जाए हमरी अटरिया पे। थैंक यू। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि बता देना चाहिए टाइम पे बात है। ये बात है, मैं मेलोडाइन नहीं यूज़ करता इनके लिए, कभी नहीं यूज़ करता मैं। आपको पता है ना क्या होता है मेलोडाइन, जो बेसुरा गा के जाते हैं ना लोग, उसको फिर 9-10 घंटे लोग ट्यून करते हैं। 9-10 वो मैं यूज़ नहीं करता सॉफ्टवेयर। मेलोडाइन इज़ अ सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन सिंग हाउ एवर यू वॉन्ट एंड यू कैन मेक इट इन सुर। सुर तो मैं जितने भी दर्शक हैं जो कभी देखेंगे इसको, उनको मैं यही कहूँगा कि बस अपना सुरों का रियाज करें और शॉर्टकट नहीं आजमाएं। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आज के दौर में जहाँ एंटारस और जहाँ मेलोडाइन का एक चलन शुरू हो गया है, लोग स्टेज पे भी मेलोडाइन यूज़ करते हैं अपने सुर को छुपाने के लिए, बेसुरे सुर को छुपाने के लिए। तो वो कहीं इस एल्बम में यूज़ नहीं हुआ है, मेलोडाइन का कहीं यूज़ नहीं हुआ है, एकदम नेचुरल है, 440 है सारा कुछ। हाँ जी। ऑल्सो पारुल जी पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि यू नो लता जी के एक्चुअली आज 8 तारीख है और 6 तारीख की सुबह को हमने ये जब खबर सुनी थी, आई वॉज़ इन द फ्लाइट और कोलकाता में थी और आई वॉज जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ। आई कुडंट स्लीप द होल फ्लाइट, नॉट बिकॉज क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ देख रहे थे और उनका लास्ट वीडियो जो देखा था वो बहुत डिस्टर्बिंग था कि उनको इस तरह से हम कभी नहीं देखना चाहते थे, बिकॉज यू नो द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत रत्न, वो उनको हम हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक वो खूबसूरत गाती हुई आवाज़ के रूप में हमने हमेशा देखा है, उनको पूजा है और वो देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जब ये खबर सुनी तो डेफिनेटली एक जेन्युइन रिएक्शन था कि अरे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हमने ये सोचा कि और उस दिन हमने इनफैक्ट हम लोगों ने उस पूरा दिन इस रिलीज़ को हमने रोक रखा था कि आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस रिलीज़ क्योंकि यू नो उनकी रेस्पेक्ट में हम नहीं करेंगे। बट देन अ थॉट केम इन टू आर माइंड्स और हमारे जितने भी म्यूजिशंस फ्रेंड्स हैं और जो कि म्यूजिशंस हैं जो बहुत लेजेंडरी म्यूजिशंस हैं, सबसे हमने राय ली और उन सब लोगों ने यही कहा कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 80 साल म्यूज़िक को डेडिकेट कर दिए और समर्पित कर दिए, आप उनके जाने पर म्यूज़िक रोकना चाहते हो, ये कितनी गलत बात होगी, उनकी आत्मा को ये कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने भी रियलाइज़ किया कि वाकई अगर हम जिस इंसान को हम म्यूज़िक के लिए याद करते हैं और म्यूज़िक जिनके लिए एक पूजा थी, अगर हम उनके जाने पर म्यूज़िक उनको समर्पित ना कर सके तो हमारे लिए इससे ख़राब बात ही कोई नहीं हो सकती। तो आज का ये जो लॉन्च है, हम उनके लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग इसे लॉन्च करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली वॉन्ट टू टेक हर ब्लेसिंग्स। आज हमारे बीच में साक्षात तो नहीं है वो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हालांकि ये एक डायलॉग जैसा लगेगा, लेकिन ये बात मैं बहुत दिल से फील करके बोलना चाहती हूँ कि सरस्वती पूजा थी 5 तारीख को और 6 तारीख को सरस्वती माता की जो सबसे फेवरेट उनका बच्चा था वो अपने साथ उनको लेकर चले गए एंड हेवेंस डेफिनेटली मस्ट बी सेलिब्रेटिंग टुडे क्योंकि आज उनके पास उनका सबसे फेवरेट बच्चा पहुँच गया है। तो हमें दुखी तो नहीं होना चाहिए, वी हैव टू सेलिब्रेट हर लाइफ, वी हैव टू सेलिब्रेट हर म्यूज़िक बिकॉज दैट इज़ वॉट शी हैज़ ऑलवेज बीन डूइंग एंड दैट इज़ वॉट वी शुड ऑल्सो कंटिन्यू टू डू। सो दिस इज़ अ डेडिकेशन टू लता जी, डेफिनेटली। बिल्कुल बाबुल, मैं आपको बताऊँ, समर्पित है उनको।
ये एक बड़ा ही इत्तफाकन चीज़ हुई है, एक कोइंसिडेंटली 8 तारीख फाइनलाइज किया हो गया, अपने आप हो गया, अपने आप हुआ है, ये 28 को होने वाला इनहेरिटेंस लॉन्ग, हाँ ये 28 जनवरी को होने वाला था जी। 8 तारीख जगजीत अंकल का बर्थडे आता है, तो जैसे प्रतिभा ने बताया, मैं भी बाबुल मोरा जितना करीब से मैंने उनको सुना है और उन सबको सुन के, लेकिन जो एक फाउंडेशन जो थी बाबुल मोरा की, वो उनसे ही हमने अडप्ट करके और उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो ये बाबुल मोरा, तो आज उनका 81st बर्थडे, तो हम दिल से उनको ही ये अर्पण करते हैं, क्योंकि ये उनकी, उनको म्यूज़िक के अलावा हम कोई कुछ नहीं दे सकते, तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो उनको लगे, और ये उनका ही आशीर्वाद है कि ये सारा उन्होंने ही प्लान किया, मेरे को तो ऐसा लगता है। और लता जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, मेरे पास, मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी, 8-9 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है, फ़ोन पे बात हो रही थी, सजदा एल्बम जब आई थी जगजी जी और लता जी, मैं बहुत छोटा हुआ करता था तब, तो वेस्टर्न आउटर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग जब होती थी तो लाइव होता था, तो बूथ, सिंगर बूथ में वो गाती थी, यहाँ पर सरू जरीन दारू वाला जी, यहाँ पर एक पार्टीशन में मैं बैठता था, तो एक आई कांटेक्ट भी होता था, हेडफोन पे आवाज़ आ रही है लेकिन देख रहे हैं, तो देखता था मैं कि जब वो स्टूडियो में जब रिहर्सल करती थी तो उनकी आवाज़ यहाँ कोई बैठा है उनको भी सुनाई नहीं देगा, और दो बार ट्रैक सुनती थी, तीसरी बार बोलती चलिए टेक करते हैं, और जब माइक पे आती थी तो ना ब्लो आता था, ना सांस की आवाज़ आती थी, ना शब्द का कोई वो हो रहा है, ना टेम्पो का, और वो ऐसा वाकई में ये लोग सब जैसे एक ही, आप कहते एक ही बात, भूतो ना भविष्य, तो उनको ये हमारी तरफ से, सबकी तरफ से जो इनहेरिटेंस एल्बम से जुड़े हुए हैं उन सबकी तरफ से उनको एक छोटी सी एक श्रद्धांजलि। ऑल्सो बिफोर वी फॉरगेट, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं बातों में उलझ जाते हैं, और क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी बोलें वी मेक सेंस, बिकॉज वी ओनली मेक सेंस व्हेन वी डू म्यूज़िक, तो जब हम बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ टॉपिक कहाँ निकल गई, कैरीड अवे हो जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ बहुत ही अहम लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जैसे कि दीपक जी, बिना गौरव वासवानी जी के काम नहीं करते हैं, उनके बिना सहयोग के, और गौरव वासवानी जी हमारे को प्रोड्यूसर हैं इस मतलब एल्बम के, एंड देन प्रशांत सोनागरा जो कि हु हैज़ बीन ऑलवेज देयर इन ऑल आर म्यूज़िक, एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आर म्यूज़िक, प्रशांत सोनागरा तबले पे आप उनको हर ट्रैक में सुनेंगे, और लाखों के बोल में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है, एंड वो कमाल दीपक जी हमेशा प्रशांत से करवाते रहते हैं, एंड देन डेफिनेटली सेतु अन्ना जो हमारे सेवन हेवन, हमारी उनकी सारी टीम जो कि है, इजिकिया है, संकेत है, एंड हर्षुल है, हमारी अनु है, everybody has been working behind this inheritance album tirelessly, and we really want to thank them ki hamari har cheez ko hum aadhi raat ko bole hame ek line change karni hai ya ek sound change karna hai, they are always at it. main sorry tum apna baat yaad rakhna, lockdown lagai tha kyunki 2 saal se kaam kare na, to mujhe kabhi kabhi raat ko 2:30 baje kuch cheez yaad aati thi ki aisa kuch karna hai, तो मैं, जो हमारे साउंड इंजीनियर हैं सेतु रमन जी, बहुत विद्वान इंसान हैं, ही वॉज विथ इलैयाराजा सर, तो इंडिया के अपने आप में एक ही हैं वो साउंड इंजीनियर अपने काम के, तो अरे यार तू सोने देना मेरे को, तेरे को कुछ भी याद आता है तो फिर फ़ोन कर देगा, कल करते ना, तो वो उसका स्टाइल है एक बात करने का, मैं नहीं अभी कर लेते हैं यार, हाँ बोला अभी कहाँ पुलिस पकड़ेगी, ये होगा, मैं लेके आता हूँ, मेरे पास वो है, पास है, तो कितनी बार ऐसे हुआ रात को उठा करके, नहीं यार ये चीज़ कर लेते हैं, मेरे दिमाग से निकल जाएगी नहीं तो ऐसे एक जो अभी मैं जब सवेरे में एक टेक्निकल टीम के साथ एक रन थ्रू कर रहा था, तो मैं सारे वीडियोस देख रहा था, तो मैं पीछे फ्लैशबैक में चला गया था कि कैसे हमने शुरू किया था और कहाँ से कैसे आया है। ऑल्सो बाबुल मोरा वेंट ऑन फॉर 9 आवर्स, मेरी मम्मी उस दिन थी रिकॉर्डिंग पे, और अब वो भी मैं बात कट कर रहा हूँ, इसका
मैं इसको हाथ जोड़े थे, मैंने बाबा बस कर, अभी 9 घंटे 8 घंटे हो गए गाती जा रही है, थोड़ा ब्रेक ले ले, पानी पी ले, थोड़ा पी लेगी पानी चाय कॉफ़ी, लेकिन अपनी जगह से नहीं उठेगी। ये डेडिकेशन जो है ना, ये आपको मनवा देती है कि वो जो चीज़ जो आप चाह रहे हैं एग्जीक्यूट करना, वो आप अपना लेते हो अगर आपकी शिद्दत होती है तो ये इसके अंदर बहुत ही कमाल की है, बहुत कमाल की है। पर वो बात ये उल्टी कह रहे हैं कि 9 घंटे मुझे लगे वहाँ गाने में, लेकिन बिहाइंड द माइक जो लोग सिस्टम पे होते हैं, 7 हेवन टीम, सेतु अन्ना और जो हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं और दीपक जी, डेफिनेटली उस दिन मेरी माता जी भी थी, आज उनको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि बाबुल मोरा एक ऐसा ठुमरी है जहाँ पर आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट बाबुल मोरा, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है डेफिनेटली, तो मैं एक भारतीय लड़की हूँ, तो जब विदाई होती है उसके पहले तक तो समझ नहीं आता है कि आपकी शादी हो रही है, या वी आर मॉडर्न एज पीपल एंड यू नो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, हम पहले से ही अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं, पढ़ने के लिए फिर कभी काम के लिए बाहर रह रहे हैं, लेकिन official. वो एक ऑफिशियल फीलिंग होती है कि नाउ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स टू योर हस्बैंड्स होम, या आप एक जगह को छोड़कर हमेशा के लिए मेंटली दूसरे घर में जा रहे हैं, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपकी बिलोंगिंग है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग कभी छूटती नहीं है, एंड व्हेन यू फील दैट, आई रिमेंबर वो ही दिन मुझे हमेशा याद आ जाता है। और रिसेंटली जब मेरी मम्मी ने ये वीडियो देखा तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वॉज रिमेंबरिंग कि 8 साल पहले तुम जा चुकी हो, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है ये वीडियो देखकर कि तुम आज ही जा रही हो, तो दिस सॉन्ग इज़ वेरी स्पेशल। अच्छा, और कुछ क्रेडिट्स ही, और कुछ अपना जो वीडियो डायरेक्ट किया है? वीडियो डायरेक्ट किया है, यस 100% बाबुल मोरा। इसमें 4 ठुमरीज हैं जिनमें से एक वीडियो बाबुल मोरा जो आज रिलीज होने वाला, वो वीडियो डायरेक्ट किया है रवि जाधव जी ने, जिन्होंने हमारा प्रीवियस एल्बम पूरा डायरेक्ट किया था, बोले नैना साइलेंस स्पीक, और इसे कोरियोग्राफ किया है वैशाली चवन ने, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाया था एंड शॉट इट वेरी ब्यूटीफुली एज यू कैन सी, यू सीन ऑलरेडी। बाकी वीडियोज हम लोगों ने दुबई में शूट किए थे और दिया एंड हिज टीम हैड शॉट इट, धवल दर्जी एंड हिज टीम, सो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। वी शुड नॉट फॉरगेट वन मोर नेम, मनोज जाधव। मनोज जाधव जी ने हमारे सारे वीडियोस को एडिट किया है एंड थैंक यू मनोज जी। 100% वो तो चलिए, सूफी, ये सब सूफी स्कोर है, बिल्कुल सूफी स्कोर, चलिए ऑफिशियली जब हम बात कर रहे हैं, शुक्रिया सूफी स्कोर का कि ऐसी चीज को बढ़ाने में इतना सहयोग दिया है। एक छोटी सी चीज ये है कि सूफी स्कोर ऐसे बैंक के साथ में इंडिया में प्रवेश लिया है सूफी स्कोर ने, कि आज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सूफी स्कोर ओनली बिकॉज ऑफ वेरी गुड म्यूजिक, क्योंकि ऐसा म्यूजिक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को, खास तौर पर इंडियन म्यूजिक को इतना ज़्यादा प्रमोट और कोई भी चैनल नहीं करते हैं ज़्यादातर, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि यू नो इट्स नॉट इंस्टेंट ग्रोथ, लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक में, एशियन म्यूजिक में इतना मतलब दिल खोल कर उसके पीछे खड़े रहना, बिल्कुल बीइंग दैट पिलर, बीट फाइनेंशियली, बीट मतलब आप हार्ड वर्क, तो दे आर ऑलवेज देयर एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सूफी स्कोर बिहाइंड अस, सो दैट वी कैन प्रेजेंट द म्यूजिक दैट वी ऑलवेज वांट टू डू। ट्रू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे तो ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कहाँ से सुन के लाए, यहीं से रेयर हो जाता है सर, बहुत खास बात, माफी चाहता हूँ, यहीं से बहुत बड़ी बात बोली है, यहीं से रेयर हो जाता है। नाम बहुत पसंद आया, तो मैं सब मौजूद हैं तो मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये मेरे बड़े प्यारे भाई
और बहुत सुरीले भाई हैं जो बहुत अच्छे कंपोजर हैं, शेखर अफगानी जी, ये टाइटल उनका था। विशाल शेखर में से बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत और इसमें मुझे पता लगा कि प्रतिभा ने ठुमरियाँ गाई हैं दीपक जी पास में। ठुमरियों का एल्बम आजकल कहाँ सुनने में मिलता है, तो हमने गिरजा देवी बेगम अख्तर साहिबा, शोभा गुटू जी सबसे सुनी है, लेकिन इस एल्बम में मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ नए रंग के साथ ठुमरियाँ पेश हुई हैं, क्योंकि जहाँ दीपक पंडित का हाथ होता है वह नयापन आ जाता है, कुछ ये क्रिएटिव बहुत हैं, तो उन ठुमरियों को हम एक नए अंदाज में सुनेंगे और बहुत मज़ा लेंगे। प्रतिभा का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा गाती हैं और बड़े भाव से गाती हैं, तो मैं बस इंतज़ार में हूँ, इस पूरे एल्बम को सुनना चाहता हूँ और सुनने के बाद दोबारा फिर रिएक्शन दूँगा। ठीक है, आइए प्लीज कम। हाँ, लता जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था, वो सरस्वती का अवतार थी, अवतार लिया, लोगों को बताया गाना ऐसे गाया जाता है, अगर 100% गाना गाना है तो ऐसे गाया जाता है, परफेक्शन गाना ऐसे होता है, ये सबको सुनाया, सबको सिखाया, और क्योंकि वो सरस्वती माँ थी तो बसंत पंचमी के दिन ही चली गई कि बस मेरा दिन ही आ गया, मैं जा रही हूँ वापस, और वो चली गई। मैं यही कहूँगा कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने माँ सरस्वती को सामने देखा, उनके साथ काम किया, उनके साथ हंसी मजाक किया, मिले बैठे, तो वी आर वेरी वेरी लकी। लेकिन हम दीदी से फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि फिर अवतार लीजिए, आइए और हम लोगों को एक नई दिशा दीजिए गाने की। बहुत ज़्यादा है वाक्य, एक नहीं है, किसको किसको बताएं आपको, लेकिन एक चलिए सुना देते हैं कि एक बार दीदी का कार्यक्रम इंग्लैंड में हो रहा था, कोवेंट्री शहर में, तो मैं भी वहाँ इंग्लैंड में था उन दिनों, तो मैं सुनने चला गया दीदी को, तो मैं बैठा हुआ था सामने, तो दीदी ने मुझे देखा और उन्होंने कहा मंच पे कि अनूप जलोटा बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो मंच पे आए और मेरे साथ एक गाना गाएं, और मैंने उनके साथ मंच पे गाना गाया। ये कौन कर सकता है, कितनी सहज हैं, कितनी प्यारी शख्सियत है कि उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया और अपने साथ मुझे गवाया। और भी बहुत सारी बातें हैं, आज सब कुछ नहीं बताया जा सकता, बस इतना ही कहना है कि माँ सरस्वती ने अवतार लिया था और अपना काम पूरा करके चली गई। हाँ, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। जी दीपक जी और प्रतिभा जी वाकई प्रतिभावान कलाकार हैं दोनों ही, और जिस तरह से असल में क्या है, संगीत हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तहजीब का हिस्सा है, और उसको बचा के रखना और उस पर लगातार काम करते रहना, उस पर बात करते रहना, उसको ज़िंदा रखना, मुझे लगता है ये हमारा पहला काम है, पहला कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। एंड दीपक जी और प्रतिभा जी इस ड्यूटी को बड़े अच्छे से निभा रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ से आते हैं या ये जहाँ से आती हैं, जिस तरह के संगीत के साथ ये जुड़े हुए लोग हैं, वो बड़ा संस्कृति से, समाज से, एक शास्त्रीय गायकी से जुड़ी हुई वो एक परंपरा है। तो इन दोनों को बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारकबाद, और लता जी के लिए डेडिकेट किया है, मुझे लगता है उनको तो शायद
हर कलाकार को, हर गाने वाले को, हर लिखने वाले को, हर संगीतकार को, हर गायक को अपना सब कुछ उनको डेडिकेट कर देना चाहिए, तब भी कम है। वाह वाह, बेशक, I mean, highly inspired by the music which they are doing and the name. I really liked the name Inheritance, and I'm proud of such team. They are taking forward the legacy of the real authentic Indian music. Thank you so much. प्रतिभा मेरी बहुत ही अच्छी और पुरानी फ्रेंड है और इतना अच्छा काम कर रही है, सो मैं हैप्पी हूँ बहुत, और आगे बहुत अच्छा काम करे, बस मेरी तरफ से। जी आज इनहेरिटेंस के लिए आप अपने शुभ दिन पे आज लॉन्च कर रहे हैं, आप अनवेल कर रहे हैं इनहेरिटेंस जो प्रतिभा जी और दीपक जी कर रहे हैं, आपके हाथों से हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट जो मेरे लिए वेट कर रहे हैं और मेरे सिग्नेचर के लिए और मेरे रिलीज़ करने के लिए, मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। हम भाग्य बड़े गुणी लोग हैं और भगवान चाहे देखिएगा कि हमेशा और इतना अच्छा काम किया कि मुझे खुद मैं भी कभी कभी थोड़ा सा कंपोज करता हूँ, लेकिन लोगों ने कमाल किया। वाह, रूह जो रखी है, रूह है, ये सबसे बड़ी बात। बस हम लोग सभी मिस कर रहे हैं उनको, मिस करते रहेंगे, लेकिन यहाँ होंगी कहीं पे, वहाँ ये ज़रूर, सच में कह रहा हूँ, देखिए कहीं ना कहीं होंगी। हमने लता जी और आपके संगीत में एक बहुत खूबसूरत आत्मा को देखा है, आपकी फिल्मों में, आपके संगीत में लता जी के संगीत का एक नया आयाम देखा है। आज जब ये दुखद खबर आपके सामने जब भी आ जाती है, आपको लता जी के नाम पे क्या याद आता है? बस भगवान करे और ऐसी हजारों लता मंगेशकर पैदा हों और होंगी और हो रही हैं, और भगवान करे भारत का नाम इनको लेके ही भारत को लोग पहचाने। और ये तो कभी हम यहाँ, मैंने कहा ना अभी, लेकिन यहाँ कहीं होंगी वो, हम नहीं उनको देख पाएंगे, लेकिन जरूर हम ऐसे कार्य में जरूर हों। सर्टनली आपका नाम जब भी आएगा, शास्त्रीय संगीत, बांसुरी वादन, फिल्म, हर जगह आप छाए हुए। अरे ऐसे में कितना बड़ा एक दुख महसूस हुआ था जब ये खबर सुनी थी, आपके सानिध्य में गाने वाली एक इतनी बड़ी शख्सियत अब इस दुनिया से रुखसत कर गई। ये कुछ कह नहीं सकता, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। मुझे कल भी बहुत सारे लोग फ़ोन किए, मैंने कहा आज मत पूछ, अभी तो हुआ है, अब कोई मुझे खाना कैसा, मैंने कहा अभी तो खाया, अभी इतना जल्दी कैसे बताओ, तो ये दुख तो रहेगा। वो तो हमारे जैसे परिवार के मेंबर होते हैं, ऐसे थे हम, बहुत प्राइवेट काम बहुत किए, तो फिल्म में आप लोगों ने देखा जो प्राइवेट हो लोग देखे थे, मराठी में बहुत सारे कपड़े, तो उनका एक जो चरित्र, उनका स्वर है, उनका गाना बजाना, वो सबसे भिन्न था। कभी कभी दुख होता है मुझे कि हमारे मियाँ तानसेन जी थे, कितने बड़े लोग, लेकिन जो आज उनको भारत ने जो सम्मान दिया, भगवान करे ऐसे ही सम्मान सब कलाकार, बहुत अच्छी। लता जी के साथ आपने काम किया है तो कुछ अच्छी यादें भी होंगी?
वो बताया ना अभी, अब मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। पैसा एक ही होता है ना, इन कुछ लोगों को बहुत सोना लगता है, कुछ लोगों को इधर उधर छिपा के रखते हैं, तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, वो याद कभी भूलेगी नहीं। मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा, सब मौजूद हैं अभी, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब मैंने पुष्पांजलि दीदी को फ़ोन किया कि ये इच्छा है मेरी प्रतिभा की कि बाबू जी के हाथ से एल्बम का विमोचन हो, तो ये हमारी हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं, क्या म्यूज़िक है, उनको पहले सुनाएं। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस की जो हाज़िरी लगी है वो बाबू जी के चरणों पे लगी है। मैंने कहा, मैं इस चीज़ के लिए बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन चीज़ों को छूने के लिए एक दो मूर्ति बनाई हुई है, एक ताजमहल है, एक किला है, लाल किला। अब हम इन दोनों में कुछ क्या बनाएं, कुछ समझ में नहीं, लेकिन ये ऐसे हैं, भगवान ने इनको ऐसा, इनके माता पिता का आशीर्वाद, उसको एक अलग ही उसको रुक दिया, ऐसा दिया कि मैं क्या कहूँ कि कैसे ये आइडिया आता है, मुझे कितना चेंज करेगी, लेकिन उन्होंने उसको ऐसा चेंज किया कोई सिवाय तारीफ को कुछ चेंज करेगा। पंडित जी, जैसे कि हम अभी अंदर सुनकर आए हैं, हमें तो बड़ी अच्छी लगी बाबुल मोरा, इससे कई सारे लोगों ने अपने तरीके से, सभी अच्छे हैं, बाबुल मोरा ने सब देखे, हर का कलर अलग है। आपने कभी बांसुरी वादन किया हो, उसकी कुछ याद अगर आप शेयर कर सके इन लोगों के साथ में? नहीं, हम लोग तो सुन सुनकर हम इनका आशीर्वाद बड़े हुए हैं, काश में बड़े हुए हैं, काश में ऐसा अवसर मिले तो मैं जरूर करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने उनसे सीखा भी, बजाया भी साथ में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में। हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा। आप प्रतिभा जी, हाँ, इन्होंने तो गाया है बड़ी कमाल, देखिए ये ऐसा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। आप सिर पे हाथ रख देंगे तो? नहीं नहीं, बस हो गया। अरे बहुत, कल कल हम आपसे कहेंगे आप मेरे सिर पे हाथ। अरे अरे, कैसी बात कर रहे हैं। आइए, कौन पारुल पूछेगी सवाल? अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। जी देखिए, आज वैसे भी खास दिन है, आप जैसे बता रहे थे कि जगजीत साहब की सालगिरह है, और आपको शायद पता नहीं होगा कि आज इसी दिन 42 साल पहले मेरा भी एल्बम लॉन्च हुआ था। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये बहुत ख़ास दिन है, और आज इस दिन में ये ऐसा शुभ काम हुआ है, इनहेरिटेंस। मैंने देखा गाने, मतलब ठुमरियाँ बहुत अच्छा किया, दीपक तो वैसे ही होनहार है, प्रतिभा बहुत खूबसूरत गाती हैं, और उसके गले में बहुत ही एक अलग खनक है, तो उसको कैप्चर करना, और फिर साथ में दीपक ने जो सिम्फनी इस्तेमाल की है, बुडापेस्ट की जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, और जिसमें उस जो मिक्स किया, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वेस्टर्न सिम्फनी और इंडियन क्लासिकल गढ़, ये दोनों को जोड़ना और साथ में उसको निभाना, मेरे ख्याल बहुत बहुत ही कामयाब एक्सपेरिमेंट था। मैं दुआ ये करूँगा कि ये सब लोग, आप लोग सुने, और ऐसी बात है कि ये हमारा इनहेरिटेंस है, हमारी विरासत है, और विरासत को सामने लाना नए तरीके से और एक नए लिबास में, तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा काम है। मेरी दुआएं हैं, एंड आई होप एंड विश दीपक एंड प्रतिभा ऑल द बेस्ट एंड मोर, मच मोर एंड मेनी मोर टू कम। थैंक यू, दैट्स इट। अभी हो गया, मैंने तो एक ही इसमें पूरा बोल दिया। लता जी का, वो तो मैं, आई हैव डन दैट ऑलरेडी। बहुत वैसे आज एक ऐसा भी, दो दिन पहले हमारी लता जी इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन दुनिया से रुखसत फिजिकली हुई, लेकिन वो कभी हमारे से रुखसत नहीं हो सकती है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संगीत है, मौसीकी है, तो बरकरार उसमें उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी,
ऐसी शख्सियत फिर पैदा नहीं होगी मेरे ख्याल, क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी और जो आवाज़ है, थी भी नहीं कहूँगा मैं, वो एक खुदा की देन है। जब खुदा किसी को देता है तो बस बाकी ख़त्म हो जाते हैं ना। बस यही है कि बस हम दुआ करेंगे कि वो जहाँ पर हैं वहाँ पर अपनी आवाज़ की रोशनी चांदनी की तरह फैलाएँ, यही कहूँगा। अरे करना नहीं है, बरसे मार रहा हो ना, मतलब कोई और कोई डू हैव अ चॉइस, दुनिया एक तरफ भी एक तरफ भाई। आदेश जी, मैं हमेशा देखता हूँ कि हमेशा समझता हूँ कि म्यूज़िक जो टाइमलेस म्यूज़िक होता है ना, वो लंबी रेस का घोड़ा होता है, वो चलता रहता है। आज ये एल्बम भारत रत्न लता मंगेशकर जी और हमारे प्यारे जगजीत सिंह जी को ट्रिब्यूट के तौर पे डेडिकेट किया जा रहा है, इससे बेहतरीन डेडिकेशन नहीं हो सकता, बिकॉज ये इतना सुरीला एल्बम है और जो चीज़ें इसमें है, जैसे कि बाबुल मोरा है, सैयां बिन है, बहुत सारे ऐसे जो ठुमरी जो दीपक ने इसको वापस इंटरप्रेट किया हुआ है, वो बहुत ही कमाल का किया है। और प्रतिभा को तो क्या कह लें, बहुत ही सुर में गाती है, बहुत ही अच्छी गायिका सिंगर है, गायक है, और इतना कमाल का, नॉट ही ओनली जस्ट सिंगिंग बट उसको इतना अच्छा पर्दे पर भी इनेक्ट किया है, मुझे बहुत बहुत पसंद आया। लिटरली टेक्स यू इन अ ट्रांस। ये जो इनहेरिटेंस है, ये मेरे हिसाब से हमारी पूरी म्यूजिकल पीढ़ी के लिए एक इनहेरिटेंस है अपने आप में। Just join me, yeah. Cool. Of course. Correct. I've seen the process of this project and I've seen the kind of hard work Deepak Bhai and Pratibha has put in, and other technicians, Gaurav Bhai and all these guys. It is phenomenal the kind of music they are bringing back with a new arrangement, symphony ho rahi hai aur is tarike se sufi score se kar raha hai, so ye apne aap mein bahut badi baat hai and I'm very happy because Pratibha is my very old friend, we know like for like almost 15 years now and I've seen her work very hard and struggle very hard and she is incredible, a very dear friend and an amazing artist, we all know. Thank you. I'm so happy that you guys are here. Matlab you guys are always there. We are always there. Yeah. Always. I especially fly down for. ये हमेशा ऐसे कहीं और होता है और हमेशा ये सरप्राइज करता है कहीं ना कहीं से मुझे सरप्राइज करने के लिए. Thank you for doing that. Keep doing that. Always, always for this. Thank you. I am immensely proud. I'm standing with these two incredible artists of our country and they are the best representation of their genre. They're literally king and queen. Oh, and I am so, so, so proud. This is not my genre, but jab aap acha music sunte ho to aapki rooh khush ho jati hai, chahe wo koi bhi language ho, koi bhi genre ho. And these two, they just make my, you know, main
इतना प्राउड फील करती हूँ. एंड आई हैव वॉच्ड बोथ ऑफ देम, आई वॉच्ड हर वर्क सो हार्ड. इनका जब इन्होंने वीडियो शूट किया था, जब इन्होंने वीडियो शूट किया था, गाना जब बन रहा था, द प्रोसेस, आई थिंक हम बहुत खुशनसीब है कि हम ऐसे कलाकारों के दोस्त हैं, बिकॉज हमको वो प्रोसेस देखने को मिलता है, नॉट जस्ट द सॉन्ग. यू नो, इनके टेक्स, री टेक्स, जो प्रोडक्शन चल रहा है, म्यूजिक, एवरी थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज जस्ट सो स्पेशल एंड आई एम सो प्राउड. When you keep growing and keep shining. Really proud of you. Really. What a big day, baby. What a big day. Bah! Thank you so much.